आंचल की छैया तू वीरों को दे मां, वीरों को दे मां, वीरों को दे मां, खुर्दा की धरती के पुत्रों को दे मां, पुत्रों को दे मां, पुत्रों को दे मां, साहस की गाथा जिनकी अमर है, वो लाल तेरे हरदम निडर है, योद्धा अखाड़ा ये खुर्दा गढ़ है, युग युग से जो माटी अमर है, उन पर हर दम प्यार लुटा मां, हे वरनई माता शक्ति दे मां, हे वरनई माता शक्ति दे मां, बांध पगड़ी सर पे लेके हाथ में ध्वजा, हाथ में ध्वजा, चल पड़े है देखो वीर कांपे है धरा, कांपे है धरा, जिसके साथ तू है माई उसको क्या फिकर, उसको क्या फिकर, योद्धाओं ने आज खुद ही खोजी है डगर, खोजी है डगर, इसकी आन बान शान ऐसे ही रहे माँ, ऐसे ही रहे माँ, आंचल की छैया तू वीरों को दे माँ, वीरों को दे माँ, वीरों को दे माँ। खुर्दागढ़ मेरी जन्मभूमि, मुझे इसे बेहद प्यार है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पश्चिम की ओर करीब 21 किलोमीटर जाने पर दिखाई देता है ये पहाड़, हरी भरी वादियों से घिरा ये वरुणई पहाड़। इससे लगकर है जातीय राजपथ और इसी पहाड़ की गोद में है उत्कल गजपति का ये राजप्रसाद। कहने को तो बस ये राजप्रसाद है, पर अफसोस इसके अब भग्नांश ही दिखाई पड़ते हैं। और ये जो प्राचीर के अवशेष देख रहे हैं ना, और वो रानी पोखरी, यही दो इस महल के 200 वर्ष पुरानी इतिहास के गवाह हैं। इसी राजमहल के करीब कभी बसा करती थी वीर पाइक योद्धाओं की बस्तियां। जानते हैं, इन्हीं योद्धाओं के कंधे पर कभी इस राजमहल की सुरक्षा का भार हुआ करता था। इस खुर्दा का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। पता है 1803 ईस्वी में अंग्रेज फिरंगियों ने इस खुर्दा पर आक्रमण किया और तभी राजमहल की दीवारें ललकार उठी, सावधान हे पाई की योद्धाओं, इस गोरी फिरंगी सेना को यहां से दूर भगाओ, होशियार होशियार। आज भी ये कान उन आवाजों को सुन पा रहे हैं। तुम्हें 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 कुछ सुनाई दे रहा है? जान हथेली पर रखकर लुक छिप कर वो आक्रमण करते रहे। सुनो मित्रों, हम अत्याचार नहीं सहेंगे, विद्रोह करेंगे। मित्रों, सात समुंदर पार से आकर ये फिरंगी हम पर राज करेंगे? नहीं, कदापि नहीं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाई की योद्धा है, युद्ध हमारा धर्म है, मातृभूमि की रक्षा ही हमारे लिए है सब कुछ। हम में है जुनून, माँ की रक्षा का जुनून। अंग्रेजों से लड़ेंगे हम, मरते दम तक लड़ेंगे हम। हमें फिरंगियों को परास्त करना पड़ेगा, वरना इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। ये सब होगा कैसे? हमारे पास गोला बारूद नहीं, तोप भी नहीं है, फौज के साथ कैसे लड़ेंगे? कैसे होगा सब कुछ? आत्मबल से जीतना है, इच्छा शक्ति से जीतेंगे हम। जन्मभूमि के लिए जीवन दान देने के लिए तैयार हैं हम, नहीं तो गुलाम बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े की तरह मरना पड़ेगा। आप हमें क्या करना है बताओ, जो कहोगे करेंगे। बक्सी भाई, हम है तैयार, हमें बताओ हम क्या करें भाई। फिर इंडियो को अब कर देना बंद, कोई इनका साथ नहीं देगा, उनका यहाँ आना बंद, उन्हें चखाएंगे मजा, छत जुत से लेंगे उनके प्राण। कैसे भाई बक्सी? भुजाओं में है दम हमारे, हम है पाइक, पाइक योद्धा, हम जंग जीतेंगे। पाइक योद्धाओं की खनकती तलवारों की झनकार से अंग्रेजों की छाती थर थर कांप उठी थी। योद्धाओं का चौड़ा सीना, दमदार मर्दानी मूछे
और माथे पर लगे रक्तिम सिंदूर की चमक को देख उन फिरंगियों के पसीने छूटते थे। पाइक योद्धा जिसने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ये है पाइक योद्धाओं का मंच। अपने समय में यहां पर हर तरह के युद्ध कौशल की शिक्षा दी जाती थी और यहीं पर युद्ध की रूपरेखा सजाकर योजना बनाई जाती थी। और यह है खुर्दागढ़ का गोलीबद्ध प्रतीक चिन्ह, इसे गोलीफुट स्थान भी कहा जाता है। खुर्दागढ़ के राजा के जगन्नाथ मंदिर पर अंग्रेजों की बंदूकों के गोलियों के छेद आज भी दिखाई देते हैं। कर्तव्य भूमि पर जाने से पहले इसी कुंज बिहारी ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना वो कभी नहीं भूलते थे। और हाँ, राजमहल के समीप है ये राधाकांत मंदिर। होली के त्योहार में यहाँ कभी ठाकुर जी झूला झूला करते थे। दूर वरुणई पहाड़ पर आप देख सकते हैं राम भक्त हनुमान जी का मंदिर। वही है पाइक योद्धाओं का अखाड़ा, जहां तरह तरह के युद्ध कौशल का ज्ञान दिया जाता है। बजरंगबली को साक्षी मान वीर योद्धा शपथ लेते हैं। यादें जुड़ी है इस खुर्दा के साथ, अतीत का हर पन्ना भरा पड़ा है और इन्हीं यादों को संजो कर रखा गया है इस संग्रहालय में। उनकी तलवारें, उनकी पोशाकें, हर चीज चीख चीख कर ले जाती है अतीत की उन पुरानी यादों को। हमारी पाइक जाति इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। उनका अदन्य साहस, अतुल्य इच्छा शक्ति और त्याग की कोई तुलना नहीं है। देशभक्ति में दीवाने हो, मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए इन वीर योद्धाओं के द्वारा किए गए बलिदान को ये राष्ट्र भला कैसे भुला सकता है। शहीदों का नाम धन्य धन्य है पाइक योद्धा, तुम्हें है कोटि प्रणाम, तुम्हें है कोटि प्रणाम, करे हम कोटि प्रणाम, करे हम कोटि प्रणाम, करे हम कोटि प्रणाम। जीवन